हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब अपडेट्स जोन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक जॉब वैकेंसी जो कि आया है NHIDCL की तरफ से, यानी कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, जो कि NHIDCL जो कि हमारे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके 62 मैनेजरियल पोजीशन के लिए जो कि वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं कितना वैकेंसी और किस किस पोजीशन के लिए कितना वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है 31 मई 2021 को है। तो चलिए देखते हैं कितना वैकेंसी है कौन सी पोस्ट के लिए। देखिए, ये जो कि है सारे मैनेजरियल पोस्ट है, जो कि पहला नंबर पर है जनरल मैनेजर जो कि 1 पोस्ट है, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर इसके लिए 20 पोस्ट है, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए 5 पोस्ट है, देन अगला है मैनेजर जो कि 20 पोस्ट, देन जो कि मैनेजर और फाइनेंस के लिए 5 पोस्ट, देन मैनेजर लीगल के लिए 1 पोस्ट, देन असिस्टेंट मैनेजर जो कि एचआर के पोजीशन के लिए 2 पोस्ट, देन जूनियर मैनेजर के लिए 6 पोस्ट जो कि एचआर में है, देन जूनियर मैनेजर लीगल के लिए 1 पोस्ट, देन जूनियर मैनेजर जो कि है राज भाषा इसके लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 62 पोस्ट है। और इस आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा, ये रहेगा लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसमें आपका जॉब लोकेशन रहेगा। तो नेक्स्ट है एजुकेशनल, क्या क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि जनरल मैनेजर के लिए आपको डिग्री इन सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना चाहिए। देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए वही आपके पास सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के डिग्री होना चाहिए। देन नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए, इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए और आप फाइनल ईयर पास कर चुके होंगे और आपके पास डिफरेंट टाइप को पोजीशन मांगा है, जो कि डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट विथ फाइनेंस एज द मेजर सब्जेक्ट और मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो फाइनेंस है, इसके लिए आपको फाइनेंस रिलेटेड कौन सी कोर्स अगर आप किए होंगे तो ही अप्लाई कर सकते हैं। देन है मैनेजर, इसके लिए भी आपको पास सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिग्री होना चाहिए। देन मैनेजर जो कि फाइनेंस के लिए, इसके लिए भी आपको डिग्री विथ जो कि डिफरेंट कैटेगरी में है, जो कि इमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी और SAS एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर सिविल अकाउंटेंट्स, डिफेंस अकाउंटेंट, अकाउंट सर्विस जो कि ये फाइनेंस है, इसके लिए इसके जो अलग अलग कोर्स में आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो नेक्स्ट है मैनेजर जो कि लीगल मैनेजर, इसके लिए आपके पास डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लॉ में आपके पास डिग्री होना चाहिए। देन है असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए आपको ओनली डिग्री चाहिए। देन जूनियर मैनेजर HR के लिए आपको वही एक डिग्री चाहिए। देन जूनियर मैनेजर लीगल के लिए, इसके लिए भी एनी डिग्री चाहिए। देन जो कि लास्ट है जूनियर मैनेजर राजभाषा, इसके लिए आपको ओनली डिग्री चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है 31 मई 2021 को लास्ट डेट है। और इसका जो फी मेंशन नहीं किया गया है, इसके आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.nhidcl.com
www.nhidcl.com में आपको चेक कर लेना और अप्लाई भी यहीं से करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक जॉय नई जॉब वैकेंसी के अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट्स पहुंच सके। धन्यवाद।